बच्चों यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और उसपे ऐसा कुछ आपको प्रूफ करना है। तो बच्चों मैंने आपको बताई थी कि जब एम आपका सारे रियल नंबर्स होता है, याद रखिए अर्थमेटिक मीन ऑफ एनथ पावर में मैंने बताया था, जब एम आपका सारे रियल नंबर्स होता है एक्सेप्ट 0 एंड 1, तो उस केस में आप क्या अप्लाई करते हो? अप्लाई करते हो एम अर्थमेटिक मीन ऑफ एम एथ पावर। अब बच्चों यहाँ पे एम की जगह 8 है और 8 सारे रियल नंबर्स में आता है और वो 0 से 1 के बीच में लाइव ही नहीं करता है। तो बच्चों मैंने आपको ये इनइक्वालिटी पढ़ाई थी, वो इनइक्वालिटी थी आपको याद होगी, उसको हम पावर 8 के लिए अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8 प्लस सी की पावर 8, ठीक है बच्चों, होल डिवाइडेड बाय 3, ग्रेटर और इक्वल टू। तो बच्चों यहाँ पर इक्वल टू या ग्रेटर का साइन देख लीजिएगा। चलिए होल डिवाइड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 8। तो ये बच्चों मैंने अभी आपको अप्लाई करके दिया है अर्थमेटिक मीन ऑफ एनथ पावर। ये बच्चों आपको यहां तक तो क्लियर होना चाहिए कि मैंने अर्थमेटिक मीन ऑफ एनथ पावर लगाया है, इनइक्वालिटी का साइन भी क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसके आगे देखूंगा कि हमें प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए था। बच्चों हमको प्रूफ करने के लिए ये वाला टर्म तो चाहिए ही चाहिए और वो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है, ये वाला टर्म थोड़ा सा मिसिंग आउट है, तो हमको उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये क्या हो गया, ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8 प्लस सी की पावर 8 होल डिवाइड बाय 3 ग्रेटर और इक्वल। बच्चों एक काम कर लो, इसको लिख दो ए प्लस बी प्लस सी की होल पावर 6, इसको ब्रेक कर दो, ठीक है, एक पावर 6 में और एक पावर स्क्वायर में, क्योंकि 8 को तो हम इस तरह से ब्रेक कर ही सकते हैं, क्यों भाई, ये बच्चों मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे, चेंज पहले 6 को लिख देते हैं फिर मैं 2 को लिख देता हूँ, ठीक। चलिए अब बच्चों ये क्या बना, तुम कहोगे कि सर अगर हम एबीसी 3 पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं उनमें ग्रेटर देन जीएम लगाते हैं तो वो वाला प्रोसेस मैं आपको अलग से बता देता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट पावर में 1/3, ठीक है बच्चों। तो मैंने ए प्लस बी प्लस सी को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, ए बी सी की होल पावर 1/3 के साथ। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये प्रोसेस मैं यहाँ पर ये यूज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8 प्लस सी की पावर 8 होल डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 ये बड़ा होता है, मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, छोटी वैल्यूज से, तो मैं इसको छोटा ही रखूंगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा, तो हो जाएगा ए बी सी होल पावर 1/3 और पावर क्या है होल ऊपर 6 है, तो मैंने 6 मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा करने से शायद मेरे पास ए बी सी अपियर होंगे क्योंकि प्रोडक्ट में चाहिए नहीं। इसको बच्चों मैं ध्यान से देख लूंगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये होता है, सबको क्लियर है, होल डिवाइडेड बाय 3 और 3 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली 9, ये सबको क्लियर है। अब बच्चों मैंने आपको अलग से पढ़ाया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बड़ा होता है, ए बी बी सी सी ए छोटा होता है। तो मैं इस वैल्यू को बच्चों और छोटा कर देता हूँ, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से रिप्लेस कर देता हूँ। तो बच्चों मैं इसको जैसे ही रिप्लेस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी सी पावर 2 और बच्चों ये जब रिप्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है, होल डिवाइड बाय 9। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8 प्लस सी की पावर 8 होल डिवाइड बाय 3 ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है बच्चों। अभी कितना हुआ बच्चों, ध्यान से देखो, ये बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बच्चों 3 3 9 होता है तो 3 को मैं नीचे ले आया। अब बच्चों मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 1/a 1/b 1/c, तो एक काम कर लो जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाला ब्रैकेट है उसमें ए बी सी कॉमन ले लो, जैसे ए बी सी कॉमन ले लोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/c प्लस 1/b प्लस 1/a, ऐसा कुछ आ जाएगा,
कॉमन लेने पर हमारे पास ब्रैकेट भी आ गया और हमको प्रूविंग में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब चाहिए थे, तो वो भी जनरेट हो गए और ये 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखो ये बच्चों क्या हो गया, ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8 प्लस सी की पावर 8 क्या चाहिए था, अपॉन ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो ठीक है बच्चों, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है ये बच्चों डिनोमिनेटर में आ रहा, और इस पे ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है क्या आ रहा, वही निकल के आ रहा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ऐसा निकल करके आ रहा। ठीक है तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन फाइनली प्रूफ हो गया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या किया है, इन दो इनइक्वालिटीज वगैरह का भी यूज किया है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।